दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य बताने वाली हूँ और श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या क्या संवाद हुआ इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मेरी तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ थोड़ी ख़राब आएगी, लेकिन ऑडियंस बहुत सारे कमेंट्स करके और कुछ फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भागवत गीता के पितृपक्ष में आप भागवत गीता डालिए, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है। तो आइए जानते हैं हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। सुनो, भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चौथर्थ अध्याय का पाठ किया करते हैं। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया है। आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करने से उनका अंतकरण निर्मल हो गया है। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्व से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी की सीमा में स्थित देवताओं को दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के दो वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रही गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में दो कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूम कर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। इनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था? क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्रियों के बीच में बैठे थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे, तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते थे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपने वित्तदाताओं के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा के जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हमें दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदुर तथा मधुर वेनादु के साथ ही हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं के वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अचल खींचने पर वे हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों के उत्तम
गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने वो निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गड्ढा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थे, अंत हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनु को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनु ने हमारा शापोद्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुन के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अंत हम आपको प्रणाम करते हैं। अपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थी वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़ी आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो दोस्तों, पहले ये चौथे अध्याय का महात्म्य था, अभी ये चौथा अध्याय है, अंत तक सुनो। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा है, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परमात्मा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक के लोप में प्राय हो गया था, वह यही पुरातन योग है। अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सका है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग के कल्प में आदि में आपने कहा था कि यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू ही नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदृश नहीं है, मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूतों प्राणियों को ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वाले का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तब से पवित्र हुए हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे बसते हैं, मैं उनको वैसे ही बसता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही हो जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं, उनको कर्ताओं को मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपमयान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानते हैं, वह भी कर्मों से नहीं बांधता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है, इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छे प्रकार कहूँगा, कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा
द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं को त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रियाओं में देखे। वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। ये अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा तृप्त है, वह कर्मों के फल और सद्य अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छे प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे ही जीत लिया है। अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है, वह संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। आप अपने जो कुछ भी आप प्राप्त उसी में संतुष्ट रहने वाला हर्ष लोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ है और मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रही सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बांधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्मारूप कर्म में समाधिस्त हुई उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं और दूसरी ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगीजन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों के विषय में रोग कर अपने वश में कर लेते हैं और दूसरे योगलिक शब्दादिक विषय में इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करते हुए भी भस्मरूप करते हैं। दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणियों को व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुए परमात्मा स्थित रूप योगी ग्रामी में हवन करते हैं। दूसरे कहीं पुरुष ईश्वर अपने बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कहीं पुरुष स्वधर्म पालन रूप तक यज्ञों को करने वाले हैं और कहीं अष्टयोग रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों को अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योगीजन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य योगीजन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के पारायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों के प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार योगों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका ऐसा है, यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानोमृत का भोगने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा का प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों को क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला जान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं में सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं अर्थात ज्ञान उनकी परिकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझ उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जान कर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तैयार
तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रचलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समंत बुद्धि रूप योग द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय कोई न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशयुक्त पुरुष परमात्मा से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशयुक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए वह सब संशय जिसके ऐसे परमात्मा परायण पुरुषों को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे ये भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो दोस्तों, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में ये संवाद हुआ है। श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, ये थे चौथे अध्याय के मैंने आपको महात्म्य बतलाया। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और शालिनी भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाइएगा, और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं तो जय श्री कृष्णा लिखें, और बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ। तो बोलो मेरे साथ जय श्री कृष्णा।